गाइज, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं बहुत दिनों के बाद में आज वीडियो बना रही हूँ और आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को मेरा डेली वर्क रूटीन। सो अभी बज गए हैं सुबह के 7 और अभी मैं उठ गई हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल के पकौड़े ब्रेकफास्ट में। सो चलो चलते और फटाफट तैयारी करते हैं। सो गाइज, ये हमारी बेल्कनी है और यहाँ पर मैं 5 मिनट्स स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर सुबह सुबह, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है आज। थोड़ा ठंडा भी लग रहा है आज, सुबह के टाइम में तो बहुत ठंडा लगता है और दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है मुंबई में। सो चलो चलते, फटाफट मैं नहा लेती हूँ और ब्रश कर लेती हूँ। सो गाइज, नाउडेज आई एम यूजिंग हिमालय फ्रेश स्टार्ट ऑयल क्लियर फेस वॉश, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पैसा वसूल चीज़ है, तो इसकी तो रिव्यू देनी पड़ेगी। सो, इसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पर। सो गाइज, 8 बज चुके हैं और पानी आ गया हमारे यहाँ पर, तो मैं फटाफट जाकर वॉल खोल देती हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है हमारे घर में। दोस्तों, उसके बाद में मैं करती हूँ पूजा और लेती हूँ भगवान का आशीर्वाद। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले मैं चौहान थी, तो मेरी कुलदेवी थी माँ आशापुरा, और अब मैं बन गई हूँ परमार, तो मेरी कुलदेवी जो है वो बन गई है अर्बुदा देवी। तो यहाँ पर अर्बुदा देवी जी विराजमान है और यहाँ पर हमारे राजमाता जी है, तो मैं इन दोनों की पूजा करती हूँ रोज सुबह उठकर नहाने के बाद में, और उसके बाद में मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पूजा वगैरह करना तो मुझे बहुत ही पहले से अच्छा लगता था, लेकिन अब ये मेरा डेली रूटीन का एक पार्ट है। तो चलो अब बनाते हैं नाश्ता। सो गाइज, यहाँ पर मैंने मूंग दाल को भिगो दी थी इस कंटेनर में, और मैं आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स तक ही रखती हूँ। और यहाँ पर है धनिया, सो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। एंड गाइस, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि जब भी धनिया, पालक, पुदीना ये सब आपके घर में लाते हो ना, तो इसको अच्छे से, मैं तो बोलूँ 4 या 5 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि इसमें जो मिट्टी आती है ना, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी की प्रॉब्लम वगैरह इसी वजह से होती है। तो आपको भी अगर उससे बचना है ना, तो इसको 4 से 5 बार धोना चाहिए आपको। तो वही मैं धो लेती हूँ और फिर बनाऊंगी मैं चटनी। और मूंग दाल के पकौड़े ना बहुत ज्यादा फटाफट बन जाते हैं, तो मुझे बनाने भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया और मैं उसको अच्छे से वॉश कर दूंगी 4 से 5 पानी में। तो आप लोग भी आज से 4 या 5 बार उसको वॉश करना अच्छे से वो भी, ताकि सारी मिट्टी निकल जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको या आपकी फैमिली को। बना रही हूँ ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी पकौड़ों के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है धनिया और लहसुन की कलियां, थोड़ा सा टमाटर, आधा टमाटर लिया है, मिर्ची और नमक, बस ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स से डालने हैं और चटनी रेडी हो जाएगी। सब मैं फटाफट इसको बना देती हूँ। तो गाइज, मैंने इसको दाल को 4 से 5 पानी में वॉश कर लिया है और अब मैं डालूंगी इसको इस बड़े जार में। और मैंने यहाँ पर 2 कप ली थी दाल बिना छिलके वाली, और अब हम इसको जार में डाल देंगे। उसके साथ में हम डालेंगे लहसुन की कलियां। सो इसमें लहसुन जितना ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा टेस्टी बनता है, ये मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची, ये सब हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको कर देंगे क्लोज, और उसके बाद में हम कर देंगे इसको ग्राइंड। सो हमारी चटनी बनकर हो गई है रेडी। मेरे को इसमें पुदीना भी डालना था लेकिन मैंने लाया नहीं है, तो जो भी चीजें अवेलेबल थी उससे सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। और पहले मुझे बनानी नहीं आती थी लेकिन फिर मैंने YouTube से सीखी इसे। सो चटनी इज रेडी, अब बनाएंगे हम पकोड़े। पकोड़े बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है और फास्ट भी है, टाइम भी आपका कंज्यूम करता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड हेल्दी भी है। तो चलो बनाते हैं पकोड़े। और इसको पीस लिया है
और आपको ध्यान रखना है इसको ज्यादा भी मतलब ना पतला नहीं बनाना है वरना पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। सो थोड़ी दरदरी रहनी चाहिए और कुछ इस टाइप का आपका जो पेस्ट है इसका वो दिखना चाहिए। और इसके अंदर हम कोई भी सोडा इनो वगैरह ये सब का यूज नहीं करते हैं और ना ही इसमें बेसन वगैरह जाता है। दाल में ही जो भी हमको प्याज वगैरह ये सब डालना है वो डालकर और फिर फटाफट ये बन जाती है। सो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कंटेनर में। सो गाइस अब मैं इसको खाली कर देती हूँ इसमें और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले मुझे भी लगता था कि दाल के पकौड़े बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते होंगे या उसमें बहुत सारी चीजें डलती होंगी, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा इजी वे में मैंने सीख लिया है। तो जो भी मैं खाने की वीडियोस वगैरह देखती हूँ या फिर उसको फॉलो करती हूँ वो है कविता मैम। तो कविता मैम की रेसिपीज जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी होती है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली अवेलेबल भी होते हैं, तो इसीलिए मुझे उनकी वीडियो देखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और आज तक मतलब जितनी भी मैंने डिशेज उनकी देखकर बनाई है वीडियोस को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। तो उसके बाद में हम डालेंगे इसमें से प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन मैंने उसमें डाल के पीसा था तो इतनी डालने की जरूरत नहीं है हरी मिर्ची। और फिर डालेंगे हम धनिया, हरा धनिया, और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सूखा वाला धनिया। तो यहाँ पर मैं सूखा वाला धनिया ले लेती हूँ और इसको हाथ से कुछ ऐसे पीस कर फिर हम इसमें डाल देंगे तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि जो हरी मिर्ची हमने इसमें यूज की है ना वो इतनी ज्यादा तीखी नहीं है। सो हम इसमें ये वाली डालेंगे लाल मिर्ची। और उसके बाद गर्म हो चुका है तो मैं पहले चिमनी स्टार्ट कर देती हूँ और ये फेबर कंपनी की है और 7 ईयर से मेरे इन-लॉज जो है इन-लॉज फैमिली वो यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ये। इसमें 2 और 3 दो लेवल भी है और एक लाइट भी है। तो चलो अब फटाफट इसको पकौड़े को बना देते हैं। अगर आप भी सीख रहे हो बनाना तो आपकी मॉम या घर की कोई लेडी को पास में रखना जिसको ये पता हो कि कैसे बनाना है बिकॉज आप जल भी सकते हो तेज से। तो मैं तो पहले चम्मच से बनाती थी सच बोलू तो, लेकिन उसके बाद में मुझे धीरे धीरे आदत हो गई। और यहाँ पर मैंने लिया है न्यूज़पेपर, बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं लेकिन बटर पेपर से ना ऑयल इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है सो इसीलिए मैं हमेशा न्यूज़पेपर ही लेती हूँ। और देखिए ये पकौड़े होने रेडी हो गए, कुछ कुछ डार्क ब्राउन हो रहे हैं क्योंकि तेल ज्यादा ही गर्म हो गया है अच्छे से। और ये देखिए लो फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ, ज्यादा हाई भी नहीं रख रही हूँ ताकि वो अच्छे से सीख जाए। और बहुत टाइम से जैसे ही ये थोड़े थोड़े सीख जाते हैं ना तो तभी आपको इसको टर्न करना है तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएंगे। और कढ़ाई हमेशा जब भी आप पकौड़े बनाते हो ना तो छोटी लेनी है। और हरे धनिया हमने इसमें डाले थे वो देखो इसमें से दिख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं वो दिखने में भी। सो गाइस एक और ट्रिक है इसकी, अगर आपको लग रहा है कि जो पकौड़े बनाए और वो सॉफ्ट बन गए मतलब ज्यादा बाहर से यू नो क्रंची नहीं बन रहे हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं वो है ये कि इसको थोड़ा सा मतलब पक गया है और अब इसको आप बाहर निकाल दो तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये डार्क कलर है और यहाँ पर लाइट कलर है। तो वैसे ही मैं वापस थोड़े से भजिया बना दूंगी और उसके बाद में मैं इन दोनों को साथ में वापस डाल दूंगी इसके अंदर तो तब तो ये पक्का क्रंची बन ही जाएंगे। और ये ट्रिक मुझे पापा जी ने बताया था और YouTube पर भी देखा था मैंने इस ट्रिक को। सो जब भी आप पकोड़े बना रहे हो सॉफ्ट नहीं बन रहे हैं तो थोड़े से और बना दो उसके पीछे पीछे और जो बने हुए पकोड़े है ना वो फिर इसके अंदर डाल देना तो ये बहुत ही ज्यादा क्रंची बन जाएंगे।
यहाँ पर भी ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो जो मैंने पहले बनाए थे ना वो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी और अब इसको करेंगे फ्राई और ये बहुत ही ज्यादा क्रंची हो जाएंगे अब। तो ये सेकेंड थिंग थी इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाने की और अच्छा बनाने की। सो अब ये वाली ट्रिक भी आजमा सकते हैं। तो नमक, मिर्ची, हल्दी वो सब आप आपके हिसाब से ही डालिए, कोई ज्यादा नमक भी खाता है और कोई कम भी। आवाज सुन रहे हो आप, ये देखो एकदम क्रंची क्रंची पकौड़े बनकर हो गए रेडी। चलो फर्स्ट ट्रेन इन मुंबई। और रितिक बना भी, हम तीनों जा रहे हैं अभी ऑफिस और वो हम तीनों की फेवरेट जगह है क्योंकि बहुत मज़ा आती है वहाँ पर, पूरे दिन हम काम करते हैं और शाम को 8 o'clock हमारी ऑफिस जो है वो क्लोज हो जाती है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो अब हम जा रहे हैं ऑफिस में। सो हमारा टाइमिंग है सुबह 9 o'clock टू इवनिंग में 8 o'clock तक। गाइज उसके बाद में मैं आ गई घर पे और लंच बनाना किया स्टार्ट। तो हम तीनों को इतनी भूख नहीं थी तो फिर मैंने दाल चावल बनाए ताकि थोड़ा लाइट भी हो जाए और पकौड़े सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, तो उसकी वजह से हम तीनों को भूख भी नहीं थी तो मैंने सिंपल खाना बनाया। और उसके बाद में हम तीनों खाना खाने लगे और छाछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो छाछ तो हर रोज़ मैं पीती हूँ और मिस्टर परमार को भी बहुत अच्छी लगती है, तो बस वही हम खा रहे थे पी रहे थे और वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।